नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज निप्ति ने क्या किया। फ्रेंड्स, निप्ति में मैंने आपको बोला था कि 70,230 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा 70,290 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 70,335। लेकिन आज उसने गैप ओपन कर दिया फ्रेंड्स, जिसका ओपनिंग हुआ 70,298 पे। यानी हमारा पहला टारगेट मैंने जो आपको दिया था वो उसने पहले ही मिनट में अचीव कर लिया फ्रेंड्स। तो आज किसी को ट्रेड करने का मौका नहीं मिला होगा फ्रेंड्स। और दूसरा टारगेट उसने अचीव किया फ्रेंड्स, कितने बजे अचीव किया उसने दूसरा टारगेट अचीव किया, 3:20 को उसने हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव कर लिया फ्रेंड्स अपसाइड में। तो आइए अब देखते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले हम आज ये देख लेते हैं कि डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी क्या बयां कर रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप चेक करोगे डाउ जोन्स ये वाला 160 पॉइंट आज प्लस है और एसजीएक्स निफ्टी 180 पॉइंट प्लस है। तो इसके हिसाब से हमें लगता है कि कल भी गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन कितना गैप अप होता है वो हम देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में। इससे पहले एक काम करते हैं, ये पूरे लेवल्स को मैं निकाल लेता हूँ आज। अब इसको भी निकाल लेता हूँ मैंने जो आपको बताया वो। वन डे के कैंडल में देखते हैं फ्रेंड्स कि वन डे के कैंडल में क्या सीनेरियो बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि कल जो कैंडल बनी थी वो हैमर कैंडल बनी थी और उसने आज गैप अप ओपन कर दिया, वैसे ही आज भी हैमर कैंडल ही बना है। अगर कल भी इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, कितना हाई है 70,343, अगर इसको ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट हमारा आ सकता है फ्रेंड्स। वन डे की कैंडल में देखते हैं हम आज 70,440 और दूसरा टारगेट आएगा फ्रेंड्स अपसाइड में 70,574। मैं उसको 550 कर देता हूँ, एक बार उसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं 15 मिनट में। ओके, ये इम्पोर्टेंट लेवल टूटेगा हमारा 70,440। आज का आइको निकालेगा तो बराबर ना, यानी हमारा इस ट्रेंड लाइन को निकालना पड़ेगा उसको। यहाँ से ये हमारा फ्लैट जोन हो गया फ्रेंड्स, मैं फ्लैट जोन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, ये वाला इसे डाउन साइड का लेवल आएगा फ्रेंड्स। देखते हैं हम अभी 70,325 पे क्लोज हुआ है निफ्टी और डाउन के साइड में 325। मुझे लगता है इसको थोड़ा और ऊपर ले लेना चाहिए। 70,270 ब्रेक करेगा नीचे डाउन के साइड में तो उसका पहला टारगेट डाउन के साइड में आएगा फ्रेंड्स 70,210 और दूसरा टारगेट आएगा डाउन के साइड में 70,150। और अपसाइड में मैंने आपको कौन सा लेवल दिया, इसका प्राइस लेवल भी लगा लेता हूँ मैं आज। 70,340 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आएगा 70,440 और दूसरा टारगेट आएगा उसका अपसाइड में 70,550 और डाउन के साइड में आएगा उसका 70,269 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट डाउन के साइड में आएगा उसका 70,210 और दूसरा टारगेट आएगा फ्रेंड्स 70,150। और इसमें दूसरा कुछ देख सकते हैं? ओके, अगर समझो कि कल गैप अप ओपन होता है फ्रेंड्स, जिसकी पॉसिबिलिटी आज लग रही है आज कि कल भी गैप ओपन हो सकता है, तो कहाँ कौन से लेवल पे गैप ओपन होगा वो हमें देखना पड़ेगा। समझ लो कि ये 70,440 के पास ओपन होता है या 70,550 के पास ओपन होता है। अगर यहाँ पे ओपन होता है और अगर वहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनती है तो आप पुट बाय कर सकते हो। और गैप डाउन ओपन होने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है एसजीएक्स निफ्टी और डाउ जोन्स की वजह से, लेकिन फिर भी अगर गैप डाउन ओपन होता है ज़्यादा तो आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको बुरिश कैंडल बनती है तो उसी का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप कॉल बाई कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी चैनल है एसजीएक्स ट्रेडर्स। मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे आप डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं अब बैंक निफ्टी में, देखते हैं बैंक निफ्टी में। यस, बैंक निफ्टी में अगर आप चेक करोगे तो मैंने जो टारगेट बोला था वो फर्स्ट टारगेट उसने गैप अप ओपन करके उसने
अचीव कर लिया। और डाउन के साइड में मैंने आपको जो बोला था कि अगर 34,640 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था फ्रेंड्स 34,550 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 35,450। तो आज उसके वन डे के कैंडल में देखते हैं कि उसने हाई कितना मारा और लो कितना मारा। आज का आज उसका हाई है 35,970 और लो है आज 35,500 के करीब। तो हमारा डाउन के साइड में फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन आज भी आप चेक करोगे रेक कैंडल है, लेकिन आज भी उसका कैंडल है वो हैमर कैंडल ही है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। इसके लिए मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स पूरे लीवर को। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हो सकती है, लेकिन वन डे के कैंडल में हम चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है। उसका लेवल आएगा 36,400। अगर आज के हाई को वो निकालेगा 35,975 और उसका हाई है 977 ओके और उसका क्लोजिंग हुआ 35,847 पे ओके। देखते हैं 15 मिनट में क्या होता है। 35,850 है तो डाउन के साइड में हम लेते हैं 35,750। ये हमारा हो गया फ्रेंड्स फ्लैट जोन, यहाँ से ये वाला फ्रेंड्स। अगर कल बैंक निफ्टी में 35,975 ब्रेक किया तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 36,175 और दूसरा टारगेट उसका आ सकता है अपसाइड में 36,400। और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि वो रेजिस्टेंस ले रहा है या उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करके 5-10 मिनट टिक गया तो और भी ऊपर जा सकता है, जिसका लेवल आएगा अपसाइड में 36,560। और डाउन के साइड में अगर फ्रेंड्स देखते हैं तो 35,740 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा डाउन के साइड में 35,530 और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन के साइड में 35,335 ओके फ्रेंड्स। ये रहा बैंक निफ्टी, मैं प्राइस लेवल लगा लेता हूँ फ्रेंड्स। थर्टी फाइव थाउजेंड नाइन सेवेंटी फाइव ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा अपसाइड में 36,170, दूसरा टारगेट आएगा अपसाइड में 36,390 और तीसरा टारगेट उसको भी ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन को तो तीसरा टारगेट आएगा 36,550। और डाउन के साइड में अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करेगा 35,740 तो पहला टारगेट डाउन की साइड में आएगा उसका 35,530 और दूसरा टारगेट आएगा फ्रेंड्स डाउन की साइड में 35,350। ये रहा फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का। फ्रेंड्स दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।